कोशिश सफल हुई और बच्चे की जान बच गई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के करैड़ी गांव में गर्भवती महिला की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला को 8 माह का गर्भ था और मृतक महिला अपने रिश्तेदार के यहाँ सत्संग में गई हुई थी। राजगढ़ जिले के करैड़ी गांव में रहने वाली 37 वर्षीय कांताबाई अपने घर के समीप अपने रिश्तेदार के घर पर कथा व सत्संग में शामिल होने गई थी। उसी दौरान घर के टीन शेड में अचानक करंट फैल गया और उसी करंट की चपेट में गर्भवती कांताबाई आ गई, जिसके बाद परिजन महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल राजगढ़ लाए, जहां डॉक्टरों ने कांताबाई को मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद कांताबाई का शव रात भर जिला चिकित्सालय के पोस्टमार्टम रूम में रखा रहा और जब सुबह महिला के पीएम की बारी आई तो कोई महिला चिकित्सक अस्पताल में मौजूद ही नहीं थी। महिला चिकित्सक के लिए फोन भी लगाया गया लेकिन वह नहीं आई। महिला चिकित्सक की अनुपस्थिति में शव का पीएम किया गया और महिला का शव ले जाने के लिए जिला अस्पताल में शव वाहन भी नहीं मिला, जिसके चलते मृतक महिला का शव परिजनों को प्राइवेट वाहन से ले जाना पड़ा। ग्लोबल हेराल्ड के लिए राजगढ़ से संवाददाता नितेश सोनी की रिपोर्ट। करंट लग गया, करंट लगने के कारण हम अस्पताल लेकर आया। डॉक्टर साहब ने बताया, बोले शांत होगी, पीएम रूम में डाल रखी थी। अब ये सुबह 8 बजे से डॉक्टर साहब बता रहा था कि बोले लेटेस्ट डॉक्टर आ रही पीएम करने के लिए। 1.5 घंटा से हम इंतजार कर रहा था और वो डॉक्टर साहब भी कर रहा था, लेकिन मैडम नहीं आने के कारण डॉक्टर साहब ने ही पीएम करा। दुर्भाग्य की बात है कि हम रात से परेशान हैं और इतना बड़ा अस्पताल है, इतना बड़ा अस्पताल है, उसके बाद भी हमें इंतजार कर रहा है। गर्भवती महिला डॉक्टर नहीं है यहाँ? महिला डॉक्टर नहीं है सर, 1.5 घंटा से महिला डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और हम भी परेशान हुए। और महिला के भाभी जी की डिलीवरी थी सर 8 महीना। अच्छा, और फिर डॉक्टर ने यहाँ पर पीएम करा है? डॉक्टर साहब पीएम कर रहे हैं अभी फिलहाल, महिला डॉक्टर नहीं आई? नहीं आई सर, बता रहा था डॉक्टर साहब बोले जीरापुर से आ रही, भ्यावरा से आएगी, लेकिन नहीं आ पाई, नहीं आई सर। इसी बहुत दुख की बात है सर, इतना बड़ा जिला चिकित्सालय है, उसके बाद में कोई महिला डॉक्टर यहाँ पे नहीं है।